कन्वर्जन ले रहे हैं, सेल टैक्स ले रहे हैं हर दुकानों पे, सब काम पहले तो भी ज्यादा देते हैं, बाद में सीलिंग करते हैं। उस टाइम पहले टाइम पे उन्होंने सेल टैक्स नंबर क्यों दिया उस दुकानों पे? लाजपत नगर में दुकानदारों को सेल टैक्स नंबर क्यों दे दिया? पहले बंद करते हैं सब, 5 साल से तो वो खा रहे हैं। तो सरकार क्या कहना चाहती है हमें नहीं पता है। किसी भी देश के अंदर 3 सरकारें पैरेलल काम करती है, पहले होती है लोकल गवर्नमेंट होती है, फिर एनजीडी होती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती नहीं, है। लेकिन आप दिल्ली का स्टेटस क्या हमारा? आप लोग को डर किस बात का जब आपने कन्वर्जन चार्ज पे कर दिया है? आप लोग सारा कुछ जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर किस बात का डर है? आप कन्वर्जन चार्ज की बात करते हैं, 3 तरीके से बांटा हुआ उन्होंने। एक तो पेडिसिन स्टेट है, एक मिक्स एंड यूज है, एक फुली कमर्शियल है। ठीक है, ठीक है जी। हमने 11 साल से जमा करा दिया। सबसे पहले 2006 में माकन जी हमारे मतलब कर्ता धर्ता थे इस सीलिंग के दौरान जो भी थे, उन्होंने कानून बनाया था कि या तो आप कितने गुना करके करेंगे, आप लगातार 10 जमा कराइए और इसमें पैसा ज्यादा है इंटू 8 जमा करिए, वन टाइम पैसा जमा करा दीजिए। तो वो काम कानून उस वक्त सिर्फ आपके व्हाइट पेपर के ऊपर नहीं आया, वन टाइम नहीं था वो, कुछ वर्ष के लिए 10 साल का कुछ ऐसा था कि 10 साल के लिए आप इतना पैसा जमा कराएं, 10 साल आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वो कानून व्हाइट पेपर क्यों नहीं आया कानून, वो आज तक माकन जी कहाँ है, आज क्लियर कानून क्यों नहीं बनाया? अब हम 10 साल जमा कराते हैं, फिर जबरदस्ती 11 साल हमें जमा कराना पड़ गया। अब 11 साल जमा कराने के बाद क्या हुआ सर, आपकी बेसमेंट बनी हुई है? हाँ जी बनी हुई है। इसका तो एडिशनल एफआईआर जमा होगा, आज जमा कराने जा रहे हैं तो। अच्छा, हम लगातार 10 साल जमा करा रहे हैं, लास्ट ईयर की हम पर्ची लेके जाते हैं सर, लास्ट ईयर जमा हुआ था, आप अकाउंट स्टेटमेंट लेके आए।